हेलो एवरीवन दिस इज सविता पाठक आज की वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है पद परिचय सबसे पहले हम पद को जानेंगे कि पद क्या होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और जब ये सार्थक व स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं अर्थात शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त तो होते हैं तो क्या कहलाते हैं वो शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं आगे हम देखते हैं पद परिचय पद को हमने समझ लिया है कि पद क्या होता है अब पदों के विषय में विस्तार से जानना या इनका व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है अर्थात उसका लिंग वचन कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को पद परिचय कहते हैं इसे पद व्याख्या भी कहते है। हैं एग्जाम्पल से समझेंगे हम जैसे छात्र पत्र लिख रहा है देखिए छात्र एक शब्द है इसका वाक्य में प्रयोग होने से यह पद बना अब हमें छात्र शब्द का पद परिचय देना है तो किस प्रकार देंगे छात्र क्या है छात्र एक संज्ञा है संज्ञा का कौन सा भेद है ये जातिवाचक संज्ञा हुई पुडलिंग है या स्त्रीलिंग है पुडलिंग है एक वचन है या बहुवचन है एक वचन है कौन सा कारक हो गया कर्ता कारक हुआ क्रिया क्या कर रहा है ये लिखने की अर्थात लिख रहा है क्रिया का क्या हो गया है ये कर्ता इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय देना या बताना व्याकरण की दृष्टि से।, से ही क्या कहलाता है हमारा पद परिचय पद परिचय में निम्नलिखित बातों का विवरण देना आवश्यक होता है पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण या अव्यय आदि का परिचय दिया जाता है यदि मान लीजिए आपका पद जिसको आपका परिचय देना है संज्ञा है तो आपको निम्न बातें बतानी होगी वह संज्ञा का कौन सा भेद है व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है या भाववाचक है वह पद उसका लिंग बताना होगा आपको कि वह स्त्रीलिंग है या पुणलिंग वचन बताना है कि वह एक वचन है या बहुवचन कारक बताना है कारक का कौन सा भेद के अंतर्गत आता है वो क्रिया का करता है या कर्म है ये सभी बातें आपको संज्ञा का पद परिचय देते समय बताना होगा अगर आपका पद सर्वनाम है तो सर्वनाम का पद परिचय देते समय जो बातें लिखनी होती है वो है सर्वनाम का भेद भेद में आपको पुरुषवाचक है निश्चयवाचक सर्वनाम है अनिश्चयवाचक है प्रश्नवाचक है संबंधवाचक है या निजवाचक है उसको लिखना होता है उसका लिंग वचन कारक क्रिया का कर्ता या क्रिया का कर्म आदि बातें बतानी होती है अगर पद विशेषण है तो विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण के भेद लिखने होंगे कि गुणवाचक है संख्यावाचक है सार्वनामिक है या परिणामवाचक विशेषण है उसकी अवस्था बतानी होगी मूलावस्था है उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है उसका लिंग वचन और विशेष्य बताना होगा यदि क्रियापद का हम परिचय देते हैं तो क्रिया के भेद बताने होंगे कि वह सकर्मक है या अकर्मक उसका लिंग वचन पुरुष धातु काल वाच्य क्रिया का कर्ता कौन है क्रिया का कर्म है? कौन है ये सभी बातें हमें क्रिया का पद परिचय देते समय बतानी होगी नेक्स्ट है अव्यय अव्यय अव्य में क्रिया विशेषण के भेद उपभेद विशेष्य क्रिया का निर्देश आदि सभी बातों को हमें अव्यय का पद परिचय देते समय बताना होगा आगे हम फर्स्ट हमारा लेंगे संज्ञा का पद परिचय कि संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें किस तरीके से पद परिचय देंगे आगे हम ये चीज बताए देखिए पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण आदि का परिचय दिया जाता है अर्थात पद परिचय में इन पांच का परिचय दिया जाता है फर्स्ट में हम देखेंगे संज्ञा का पद परिचय संज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला किसी वस्तु प्राणी स्थान गुण भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं हम संज्ञा हिंदी भाषा में संज्ञा प्राय तीन भेद माने जाते हैं जातिवाचक वाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक तथा दो भेद और माने जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा फर्स्ट में हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे राम मोहन चीन गंगा भारत आदि इन सब से क्या हो रहा है किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है नेक्स्ट हमारा जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की जाति वर्ग या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे मनुष्य पहाड़ भाई मामा मोर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा था कि व्यक्ति विशेष अर्थात राम का जहाँ पर नाम आया था तो हमने उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिया था लेकिन यही अगर मनुष्य में आता है मनुष्य तो पूरी जाति का बोध हो जाता है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आती है नेक्स्ट हमारा भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं अर्थात जिसमें गुण दोष अवस्था धर्म आदि का बोध जिससे हमें पता चलता है तो वह इसमें आता है भाववाचक संज्ञा में आती है जैसे लंबाई बुढ़ापा मीठा शत्रुता दया आदि। नेक्स्ट हमारा समूह वाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूह वाचक संज्ञा कहते हैं नाम से ही पता चल रहा है कि समूह अर्थात पूरा ग्रुप जिसमें हो तो वो किसमें आता है समूह वाचक संज्ञा में आता है जिस तरीके से कक्षा कक्षा क्षा क्षा क्या है पूरे स्टूडेंट का एक ग्रुप है यानी कि पूरा एक समूह का बोध हो रहा है उसमें तो यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा समूह वाचक संज्ञा इसी प्रकार से सभा सेना दल ये सब किसमें आते हैं समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे सोना चांदी तेल आदि ये सब किस में आता है नाप तोल वाली वस्तु है तो ये सब किस में आएगा द्रव्य वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं देखो बेटा शब्द के पद परिचय में पांच बातें ही मुख्य रूप से बताई जाती है फर्स्ट हमारा संज्ञा का भेद सेकंड लिंग थर्ड वचन फोर्थ कारक और फिफ्थ है संज्ञा का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध एग्जाम्पल से समझते हम राम बाजार से फल लाया अब हमें इसका पद परिचय देना है इस वाक्य का तो फर्स्ट में हम देंगे राम का राम क्या है हमारा मैंने बताया कि पांच पॉइंटों के रूप में हमें इसका पद परिचय देना होता है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है संज्ञा के भेद हमने राम शब्द को लिया अब इस शब्द का हमें पद परिचय देना है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा संज्ञा के भेद तो हमें इसका भेद बताना है कि ये संज्ञा का कौन से भेद के अंतर्गत आता है मैंने अभी बताया था आपको कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं और पांच भेदों में से ये कुछ भेद के अंतर्गत आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है सेकेंड हमारा पॉइंट है कि हमें लिंग बताना है तो ये कौन सा लिंग हुआ इसका पुडलिंग है या स्त्रीलिंग है तो हमारा आएगा इसमें पुडलिंग नेक्स्ट है वचन बताना हमें तो वचन कौन सा हुआ इसके अंतर्गत एक वचन है या बहुवचन है एक वचन नेक्स्ट हमें कारक बताना है तो कारक कौन सा हुआ इसमें कर्ता कारक नेक्स्ट संज्ञा का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध बताना होता है जिस तरीके से कि राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है फल लाने का तो यानी क्रिया कि का क्या हो गया राम कर्ता क्लियर नेक्स्ट हमें देना है बाजार का बाजार फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा संज्ञा का भेद बताना है तो बाजार किसके अंतर्गत आता है जातिवाचक संज्ञा के अंदर सेकेंड पॉइंट हमें लिंग बताना है इसका तो कौन सा हो गया है? ये स्त्रीलिंग है या पुडलिंग पुडलिंग वचन एक वचन कारक कौन सा हुआ अपादान कारक क्रिया का अपादान हुआ लाया क्रिया का क्या हो गया ये अपादान नेक्स्ट है फल फल में कौन सा भेद आएगा संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा अगर एक पर्टिकुलर किसी एक फल का नाम आता तो वो किस में आता व्यक्तिवाचक में लेकिन यहाँ फल फल तो बहुत सारे हो सकते हैं तो कौन सी संज्ञा में आ गया जातिवाचक संज्ञा में सेकंड पॉइंट हमारा लिंग बताना हमें कौन सा आ गया पुर्लिंग है या स्त्रीलिंग कौन सा हो गया हमारा पुलिंग फल वचन बताना है कौन सा वचन हुआ एक वचन है या बहुवचन एक वचन नेक्स्ट कारक बताना है कौन सा कारक हो गया इसमें फल में कर्म कारक नेक्स्ट क्रिया संज्ञा का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध बताना है तो क्या आएगा लाया में क्रिया का कर्म हुआ क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक ओके okay, कल की क्लास में हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय रीड करेंगे थैंक यू